जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें आई लव यू पुचकी गुजरा शायद यही दिल मेरा हां तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू
good morning, baby. So, Mrs. Asmita Shan Mazumdar, आगे का क्या प्लान है? वो हम यही सेटल हो जाए? Yeah. Actually, you know, मुझे ये जगह बहुत पसंद है. Okay. पूरी जिंदगी यही तुम्हारे साथ बिताने का मन कर रहा है. Wow. वो तभी मुमकिन होगा जब नंदिनी को उसके किए की सजा देंगे. कानूनी तौर पर तुम दोनों का रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सो उस बारे में तो हम सोच नहीं सकते. नंदिनी, ये लो. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. उसका नाम लेना जरूरी था क्या? अभी क्यों फोन कर रही है? एक बार बात करके देख लो. नहीं उठाना है, इसका फोन ही नहीं उठाना. छोड़ यार, एक बार बात तो कर लो. अरे क्या बात करूं? शायद वो जानती होगी कि हम दोनों साथ हैं, इसलिए वो फोन कर रही होगी. शानू से हमें सजा दिलवानी. जानलेवा हमला किया उसने मुझ पर, एक पुलिस ऑफिसर पर हमला. कानूनी सजा दिलवाऊंगी नंदिनी को. शायद लिसन टू मी, एक बार बात करके पूछ लो ना, देखो वो क्या बोल रही है. हेलो शान, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहती हूँ. शान, हेलो. पुचकी के साथ जो भी तुमने किया उसके बाद तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करूंगा? और एक बात ना, कान खोल कर सुन लो. मैं और पुचकी साथ हैं और साथ रहेंगे. कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, मौत भी नहीं. समझे? हाँ शान, मैं बात समझ चुकी हूँ. मैं जान चुकी हूँ कि तुम सिर्फ मेरी जिद हो, तुम मेरी कमी नहीं हो सकते. इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें आजाद करती हूँ. मुझसे और हमारी शादी से मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया शाह. अब मैं तुम्हें यानी मेरी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ शाह. जहर खा लिया नंदिनी, क्योंकि तुम्हारे बिना कैसे जीना ये मैं नहीं जानती और मैं नहीं रह सकती शाह तुम्हारे बिना. तुम ना प्लीज आके डिवोर्स पेपर्स ले जाना. अगर तुम्हें नहीं भी आना तो ठीक है, क्योंकि मेरी मौत के बाद तो तुम्हें डिवोर्स पेपर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम और अस्मिता दोनों खुशी-खुशी रहना साथ में. भाई शान, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये क्या बोल रहे हो नंदिनी? नंदिनी मेरी बात सुनो, पागल मत बनो. जान लेने से कोई हल नहीं मिलेगा. मैं मेरी बात सुनो, ये गलत है नंदिनी. प्लीज बस एक चीज की उम्मीद करती हूँ मैं, कि अगले जन्म असली पुचकी बनकर ही मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटू. शान, सॉरी शान, गुड बाय. हेलो. अरे 100% वो नाटक कर रही है, ये उसकी कोई चाल है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें. वैसे भी वो जिए मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं शान, लिसन टू मी, हमें उसे बचाना चाहिए. अरे तुम पागल हो गई हो, ये उसकी कोई चाल है. अगर चाल नहीं हुई तो, अगर वो सच बोल रही होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ना चाहिए शायद. अगर उसने सच में खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली, तो यू नो इल्जाम ना तुम पर भी आ सकता है. शान मेरी बात मानो, हमें चलना चाहिए. तुम सोच क्या रहे हो शान? चलो. बेटा ये क्या किया तुमने? तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे. मुझे शान चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगा शान तुझे. हाँ बेटा, शान बस तेरा है. शान
नहीं पापा, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए पापा, हम सब खत्म हो चुका है पापा, कुछ नहीं बचा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व था कि मुझे जो भी चाहिए मेरे पापा मुझे वापस ला कर देंगे, लेकिन इस बार मेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, अब चाहिए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा हिम्मत नहीं हारते बेटा, तेरे पापा ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इस मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक करूंगा मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ अभी। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए पापा यहाँ से, मुझे मरने दीजिए, आप जाइए। तू बोल, तुझे क्या चाहिए, तेरे पापा तुझे देंगे, क्या चाहिए बोल, मैं लाके दूंगा, बस एक बार बोल बेटा तू। पापा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं ना पापा, तो मैं सही की रास्ते पे। हाँ बेटा हाँ, तू बोल, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, बोल। एक रास्ता पापा, I'm sorry. नंदिनी को रोको, मैं इन्हें हैंडल करती हूँ। आप मुझे और शान को ढूंढ रहे हैं ना? स्मिता, आप दोनों जो कर रहे हो, कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो तुम दोनों। आदित्य, मैं जानती हूँ, मैं डिटेल में ना तुम्हें बाद में सब बताऊंगी, वो नंदिनी को बचा ले, वो अपनी जान देने की कोशिश करी। हाँ सर, सर शान उसे रोकने गया। लो, एक और नई स्टोरी आ गई। सर ये स्टोरी नहीं है सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, अगर कभी आपको लगता है कि मैंने अपनी नौकरी ईमानदारी से की है, अपने डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर माना है, तो सर उसके वास्ते आप मेरी बात मान लीजिए सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं सच बोल रही हूँ सर। सर मुझे भी लगता है कि हमें स्मिता को एक बार सुन लेना चाहिए। ठीक है चलिए, पहले अंदर देखते क्या हो रहा है, आइए। नंदिनी, नंदिनी कहाँ हो तुम? नंदिनी, अब ये क्या बचकानी हरकत है, सामने आओ। व्हाट नॉनसेंस, क्या कर ये क्या कर रहे आप, खड़े रहिए। अंकल अंकल, ये किसने किया आपको? ओह गॉड, मैं अंकल मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है। तुमने मेरे पापा को जान से मार दिया, कोई है? प्लीज यहाँ पर आइए, शान ने मेरे पापा को जान से मार दिया। अरे क्या भाग कर जाए? शान, भाभी, ये नहीं नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया ये, मैं आया था मैं, मगर ये ऑलरेडी सर मेरे शान।
देखिए आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। पापा मैंने खून नहीं किया इनका। अरे मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करिए आप लोग। आगे खोलिए पापा, पापा प्लीज अपने आगे खोलिए, हम ऐसे नहीं जा सकते पापा, उठिए प्लीज। आप अपनी लाडली की बात नहीं सुनेंगे पापा, पापा प्लीज आगे खोलिए पापा। आपने संभालो, देखिए जो जहाँ वहीं खड़े रहे। ये क्राइम सीन है, चारों तरफ सबूत बड़े हुए हैं। अरेस्ट हिम। क्या अरेस्ट हिम? आप मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। तो आपने खून किया मिस्टर शुभांकर घोष का? नहीं 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 सर, मैंने नहीं किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं इस रूम में आया ना तो रूम में लाइट ही नहीं थी, वो मेरे ऊपर गिर गया, फिर मैंने जब देखा तो चाकू ऑलरेडी लगा हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बात मेरी बात मानिए, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? तुम शांत कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? वो तो तुमसे बात करने आए थे, तुम्हें अपना बेटा मानते थे, वो चाहते थे कि तुम हमारी शादी को एक और मौका दो ताकि हमारे रिश्ते को बचा सको। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक नंबर के झूठे मक्कार हो। तुमने धमकी दी थी ना कि तुम मेरे पापा को जान से मार दोगे। अस्मिता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन्हें नहीं मारा है, सब मुझे फंसा रहे हैं। मैं प्लीज मुझे बचा लो, मैंने नहीं किया इनका कत्ल, प्लीज मुझे बचा लो, मैंने नहीं किया। नंदिनी, ये शान ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। अब जो कोई गलत फहमी है। और रियली अस्मिता, गलत फहमी होगी। आपके सामने शान हाथ में चाकू लिए खड़े थे, उस चाकू पर खून लगा हुआ है और वो खून आपके पापा शुभांकर जी का है। आपके सामने शुभांकर जी की बॉडी पड़ी है और आप कह रही हैं कि गलत फहमी है। वाह, कमाल की पुलिस इंस्पेक्टर हैं आप। एक मिनट, इन सब के बावजूद मैं नहीं मानती कि शान ऐसा कुछ भी कर सकता है। अरे कैसे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। जो खून की धमकी दे सकता है वो खून भी कर सकता है। जी, जुनून की हद ही पार कर दी। अरे अस्मिता, इसके बीच तो इनके पापा ही थे, इसीलिए मार दिया। शान, सच में तुमने दिखा दी अपनी जात। पापा, मैं 20 साल पहले भी जो कहती थी आज भी वो कहूंगी, गोद लेने से इंसान का घर बदलता है लेकिन खून नहीं। नाम मजुमदार पर काम गुंडों वाली। शान जी प्लीज शट अप यार। बुआ, बस बहुत हो गया, आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल हमारा घर नहीं है। अगर किसी को कुछ बोलना है ना तो वो इसको बोलो, सब कुछ इसकी वजह से हुआ। तुम गुनहगार हो असली, तुम्हारे वजह से मेरे पापा के साथ ये हुआ है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरे सर से पापा का साया आता है। तो क्या हुआ कि अगर चाकू में फिंगरप्रिंट तुम्हारे नहीं है लेकिन शान के हाथ में चाकू तुमने इस्तेमाल, तुम इंस्पेक्टर आदित्य, मिस्टर मजूमदार को हिरासत में लीजिए। अस्मिता, मेरा यकीन करो, ये जो भी थे जैसे भी थे तुम्हारे पापा थे। मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर, मैंने ये नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं तुमने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं बूढ़ू, चाहे दुनिया तुम्हें खूनी कहे, ये झूठ है।